हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डांस नॉलेज में। तो आज जिस शख्स के बात हम करने जा रहे हैं, वे एक बहुत ही अच्छे कलाकार और एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने आप को बहुत फेमस किया है और अपने डांस के लिए बहुत मेहनत करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक राजा का जन्म 13 सितम्बर 1992 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। कार्तिक राजा के परिवार वाले शुरू से चाहते थे कि वह डांस में जाए और कार्तिक नहीं चाहते थे कि वह डांसर बने। उन्हें क्रिकेट और फुटबॉल में ज्यादा लगाव था, पर कार्तिक के परिवार ने उन्हें डांस क्लास में डाल दिया था। वे बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली क्लास राला सुपारा में ज्वाइन करी, रोहन एंड डांस ग्रुप की क्लास, और उन्होंने वहीं से अपना डांस सीखा है। वहां से उन्होंने लॉकिंग, पॉपिंग और हाउस डांस सीखा और उसके बाद उन्होंने डीआईडी फेम मयूरेश के पास डांस सीखना शुरू किया। और वे बताते हैं कि वहां पर उन्होंने अपने आगे का एडवांस डांस सीखा। फिर उसके बाद कार्तिक बताते हैं कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उनका वहां पर 4 साल के लिए उन्हें डांस छोड़ना पड़ा। और फिर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो उन्हें लगा कि वह जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, वह डांस करने के लिए बने हैं। फिर उन्होंने अपने घर वालों को समझाया। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाया जिसका नाम दी वेटरन्स रखा गया। और फिर वे बताते हैं कि उन्होंने यह ग्रुप बस अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। फिर वे धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लगे और उन्होंने सबसे पहले PODS में हिस्सा लिया और उसमें भी वे 4th नंबर पर आए और वहीं से फिर वो जगह जगह पर कंपटीशन करने लगे। आगे कार्तिक ने अपने ग्रुप के साथ 2017 में इंडियन हिप हॉप चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और वहीं से उन्होंने डांस प्लस Season 4 में आने की सोची। फिर उन्होंने डांस प्लस Season 4 में हिस्सा लिया और उन्हें डांस प्लस में सेलेक्ट होने के बाद वे इंडिया में काफी फेमस हो गए, पर वे इस शो को जीत नहीं पाए। वे टॉप 6 में रहकर शो से बाहर हो गए, पर कार्तिक राजा ने काफी कामयाबी डांस प्लस Season 4 में आने के बाद से हासिल करी। और कार्तिक खुद इस चीज को बताते हैं कि वे भी 13.13 क्रू की तरह इंटरनेशनल हिप हॉप में जाना चाहते थे, पर डांस प्लस के बाद उनके ग्रुप में कुछ गलत फहमियों के चलते कार्तिक राजा का ग्रुप अलग हो गया। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी कार्तिक राजा ने अपने डांस को कायम रखा और बिना रुके लगातार डांस करते गए। और कार्तिक ने भी YouTube पर अपना डांस का चैनल बना रखा है जिस पर वे अपने डांस के वीडियोस पोस्ट करते हैं। और कार्तिक राजा का सबसे हिट डांस काम 25 गाने पर किया हुआ डांस है और इसी के बाद से उन्हें ज्यादातर लोग जानने लगे। कार्तिक राजा भी अपने करियर में पूरे इंडिया में जगह जगह जाकर डांस वर्कशॉप देते हैं और वे डांस कंपटीशन में जज की भूमिका में भी नजर आते हैं जो भी स्टेट लेवल डांस कंपटीशन होते हैं उनमें। कार्तिक राजा का बचपन भले ही गरीबी में गुजरा हो, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के जरिए एक अच्छा और सुनहरा भविष्य बनाया है और आगे भी इसी तरह से उनका काम और डांस जारी रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग।